आज आप सारी सिख कौम हिंदू कौम ईसाई कौम मुसलमान कौम समुचे यूथ ने अकाली दल अमृतसर दे सारे जिला प्रधान पीएससी दे मेंबर साहबान यूथ दे सारे आगू उन्हां दे सारे अहुदेदार साहबान वर्किंग कमेटी मेंबर साहबान सिख कौम दे महान जरनैल सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान अज आप सारे ने रल के धरती बाबे बघेल सिंह की धरती ते सिख कौम की जित्ती हुई धरती ते ए दिल्ली की धरती नहीं है, ये कब्जे वाली धरती है। इस धरती ते बंदीर सिंघां नूं रिहा कराउण लई आए वीरो सब तो पहला फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आपा जो सारा समागम समाप्त हो गया अपने इंडिया दे सदर बीबी द्रौपदी मुर्मू ने आ सारा चिट्ठा सिमरनजीत सिंह मान वालों देना। ये क्यों देना है? सिमरनजीत सिंह मान पार्लीमेंट विच कहिंदा कि मैनू बंदी सिंघां दी रिहाई ते बोलन दिओ, टाइम नहीं दिंदे। ये कहिंदा कि मैं पंजाब दे पाणियां ते बोलना है, मैनू टाइम दिओ, नहीं दिंदे। कहिंदे ने कि बीबियां दी पत पूरे इंडिया च लुट्टी गई है, मैनू बोलन दिओ, समा नहीं दिंदे। कहिंदे मैं पार्लीमेंट दे विच दीप सिद्धू दी सिद्धू मूसेवाले दी नंगलंबियां दी ते जेड़े साडे बच्चियां नूं मारिया, मैनू बोलन दो, मैं गल करनी है, समा नहीं दिंदे। कहिंदे मैं किसानां दी गल करनी है, मैं मजदूरां दी गल करनी है, मैं व्यापारियां दी गल करनी है, मैं दबे कुचले लोकां दी गल करनी है, मैं बॉर्डर खोलन दी गल करनी है, मैनू बोलन दो। कहिंदे नहीं समा दिंदे। फिर कहिंदे आ मैं जगतार सिंह हवारा साडी कौम दा जथेदार है चिट्ठी लिखदी है डीजीपी नूं, मैं मिलना, मैं शबीर शाह नूं मिलना, मैं यशीन मलिक नूं मिलना। कहिंदे मैनूं समा दिओ, डीजीपी ठुस हो जांदा, वकील भी उहनां दे ठुस हो जांदे ने, फिर जे लगे किते धरना ही लाउणा पऊगा ना, इस करके उहनूं मिलण नूं भी समा नहीं दिंदे। पर तुहाडा योधा फिर बोलदा पार्लीमेंट च, फिर भी धक्के दे नाल जीरो हावर च नहीं समा दिंदे, धक्के दे नाल माओवादियों ते भी बोल जांदा, उत्थे दब्बे कुचले लोकां ते भी बोल जांदा, उत्थे फिर सिखां दी जिहड़ा स्टेटस है उहदे ते भी बोल जांदा। इस करके अज आपां जिहड़े इकट्ठे होए आ, अज इकट्ठे क्यों होए आ कि साडे बंदी सिंह रिहा कर दो। इस करके साडे बंदी सिंघां दा जद्दोजहद असीं लगातार कर रहे हैं। साडे 88 बंदी सिंह सन, फिर असीं गुरबख्श सिंह दा मोर्चा लाया, कुछ सिंह रिहा कराए ते कुछ दियां तब्दीलियां कराईयां, फिर मोर्चा असीं बापू सूर सिंह वाला लाया, उह 7 साल तो बैठा है बंदी बना के। पहला बादल ने बंदी बनाया, फिर कांग्रेस ने बंदी बनाया, हुण आम पार्टी ने बंदी बना के रखिया होया। फिर दूजे पासे इन्ना हजारे ओ आंदा बंदे तो फुटपाथ ते बह जांदा,
फिर की है जी न्यूज बोलता है, आज तक बोलता है, नेशनल मीडिया बोलता है, लोकसभा बोलती है, राज्यसभा बोलती है, तो फिर हुण राज्यसभा क्यों नहीं बोलती? वो 7 साल तो भुख हड़ताल से बैठा है, क्यों नहीं बोलती? थोड़े नाल धक्का होया पिया, जे नहीं बोलते तां तुसीं सड़कां ते आए हो। आपां गुलाम कौम है, आजाद असीं दी मालक है। जे तुहाडा धर्म दा तुहाडा दरबार साहिब ढह जांदा, तुहाडे गलां च टायर पै जांदे। जे तुहाडा धर्म दा आ कौम दा जरनैल है सिमरनजीत सिंह मान, मैनू इंडियन स्टेट जवाब देवे साडा दरबार साहिब क्यों ढाया। इंडियन स्टेट जवाब देवे साडे दरबार साहिब दे विच फौज क्यों वारी। इंडियन स्टेट जवाब देवे साडा आनंद महर जैक्ट क्यों खोलिया। इंडियन स्टेट देवे साडी कौम दा जरनैल रिजाइन देंदा दा डीजीआई डीआईजी दे उहदे तों, इहनू क्यों नोख चे गए? अपनी कौम लई जे कोई रिजाइन दे देवे, अपनी कौम दे लई कोई उहदे परिवार नूं खेरू खेरू क्यों कीता? 5 साल भागल विच बोर्ड च क्यों रखिया? इहदे नौ लख चे। इंडियन स्टेट मैनूं जवाब देवे, इंडियन स्टेट सानूं जवाब देवे, साडे बंदी सिंघां नूं क्यों रिहा नहीं कर रहे? इंडियन स्टेट जवाब देवे, मुसलमान कौम दी बाबरी मस्जिद क्यों ढाई है? इंडियन स्टेट सानूं बचा दे दे गोबरा कांड करके मुसलमान कौम दी नस्ल कुछी क्यों कीती है? इंडियन स्टेट जवाब देवे, साडे कोलों पंजाब दे पानी क्यों खोए गए ने? इंडियन स्टेट जवाब देवे, जदों मान साहब दी गल सोशल मीडिया ते वायरल हुंदी है, प्रिंट मीडिया ते वायरल हुंदी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते वायरल हुंदी है, इन्हां पेज ते वायरल हुंदी है, उहदे ते बैन क्यों लग दिंदा है? ए इंडियन स्टेट जवाब देवे, जदों फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, असीं गल कर सकदे हां। ए असीं सारे लोग कानूनी बंदे बैठे हैं, जदों साडी राष्ट्रपति गल ना सुने, सदर साडी गल ना सुने, प्रधानमंत्री गल ना सुने, सुप्रीम कोर्ट गल ना सुने, हाई कोर्ट गल ना सुने, एमपी गल ना सुने, राज्यसभा दा मेंबर गल ना सुने, केजरीवाल गल ना सुने, कांग्रेस दा मुख्यमंत्री गल ना सुने, बादल टोड़ा सारी जुंगली साडी गल ना सुन, ते फिर संविधान दी धारा 14-19 तक बैठे हैं आ कानूनी बंदे बैठे हैं जिन्होंने सानू बिठाया। अज मोदी गैर कानूनी है, इंडियन स्टार गैर कानूनी है, आ कानून वाले बंदे है साडे बंदे जेडे सिंगर जिला च बंद है। असी भीख नहीं मंगते, नहीं मंगते, असी भीख नहीं मंगते, साडा हक है। असी कहने बेअंत सिंह ठोकिया, कहने असी कहने इंदिरा गांधी ठोकी है, असी कहने असी कहने जनरल वेदा ठोकिया, असी कहने हैं, असी कहने गुरु की बेअदबी करने वाला महिंदर बिट्टू ठोकिया, असी सारा कहने हैं। ठोक के असी भीख नहीं मंगते, असी फांसियां ते चढ़ जाने हैं। अज कौम च दबाव पिया सीगा, असी सारे ने रल के सतवंत पंत सिंह फांसी तो लुआउण दी गल की, लड़ाई लड़ी, नहीं सफल हो सके। असी सुखे जिंदे नूं लड़ाई लड़ी, मान साहब जज की कुर्सी ते रात नूं पेशाब करके आया, जिन्हें हुक्म किया जाके कला योदा, इस करके जिवें सी आपका विरोध कर सकते सी, असी सफल नहीं हो सकते। फिर असी लड़ाई जारी रखी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, राष्ट्रपति ने इत्थे ही धरना लाया सीगा, राजवाने दी फांसी असी वापस करा लिया, जज बैठा कौम दा जरनैल, सुप्रीम कोर्ट नूं टेढ़ा करके कराई है, राष्ट्रपति नूं भी टेढ़ा करके कराई है। फिर दूजे पासे असी अपने दविंदर पर भुल्लर दी फांसी नूं रद्द कराया, किहने कराया? साडी कौम ने कराया। अज सारे सोचो, सिखां दा इम्तिहान ना लो, और ना लो फिर पछताओगे। अज नवा चंद चाढ़ दिता, चार सवेरे वावले उठिया पै दिता कि सिमरनजीत सिंह मान ने कहता कि सारे केसरी झंडे चढ़ा दो। फिर इहदे च कहड़ी गल है, कहड़ी गल है बई? 26 जनवरी नूं चढ़ गया, कहड़ी गल है? ये झंडा किहदा? ये सोचो तिरंगे वाले भी चढ़ाउण, असी कोई रोकदे हां? तिरंगा चढ़ाओ, मोदी अपने घर ते लावे, अमित शाह अपने घर ते लावे,
ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਪਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਮੋਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਮਿਤ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੋਚ, ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀ ਰੂਪਨ ਦਿਆਲ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਕੇਤੀਆ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਲਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਪਾਲਿਆ? ਜੈਮਸਨ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੇ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵੇਲੇ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਢਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਢਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਢਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਬਚੇਗਾ ਨਾ ਕੱਲ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨਾਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਲਿਓ, ਉਹ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਾਲਿਓ, ਆਓ ਚੱਲੋ 56 ਛਾਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲੋ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਮੱਲਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੱਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਏ ਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਦੜ ਪੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਝੰਡਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਟੜ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੜਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰੋਖੜਾ ਨੇੜੇ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਆਪ ਆਈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MLA ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਗੁਰਦ, ਤੂੰ ਆ ਜੀ, ਤੇਰੇ 92 ਆ ਜਾਣਗਾ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਬਖਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੀਸ ਕਰੋ, ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੀਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਚਣਾ, ਇਹ ਝੰਡਾ ਚੁੱਪ ਚ ਬੀਤੇ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿਓ ਆਪ ਹੀ, ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਨਾ ਯੋਧੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੋਧੇ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗ ਦਿਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਦੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਐ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਰੋਇਆ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬੰਦੇ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।